नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सॉल्ट टू टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मखाना स्नैक्स। ये टेस्टी भी है और हेल्दी भी। एक कप मखाने में 110 कैलोरीज होती हैं और इसमें 3 ग्राम प्रोटीन, 24 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 5 ग्राम फाइबर होता है और ये वेट लॉस के लिए भी एक अच्छा स्नैक है। सबसे पहले हम लेंगे 150 ग्राम मखाने और इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हम फ्लेम पे एक पैन रखेंगे और अपने मखानों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हम इन्हें मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे और इन्हें ड्राई रोस्ट करने में हमें कम से कम 10 से 11 मिनट लग गए हैं। जब मखाने अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तो आप मखाने को हाथ से क्रश करके देख सकते हैं और अगर वो बहुत ही क्रिस्पी साउंड के साथ टूट जाए, इसका मतलब आपके मखाने बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम मखानों को एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे चटपटा करी लीफ मखाना। हम एक पैन में डालेंगे 1 टीस्पून देसी घी का, फिर इसमें डालेंगे आधा टीस्पून सरसों का, कुछ करी लीव्स और 2 कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे रोस्टेड और छिले हुए आधा कटोरी मूंगफली के। अब हम इसमें अपने मखाने डाल लेंगे। अब थोड़े से मखाने डाल लीजिएगा इसमें। इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का। हल्दी से मखाने में एक अच्छा कलर आ जाता है और स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर का। हमारा चटपटा करी लीफ मखाना अब तैयार हो गया है। अब हम देखेंगे खट्टा मीठा मखाना बनाने की रेसिपी। हम लेंगे 4 टीस्पून हनी का और इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून रॉक सॉल्ट का। अब डालेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट का, आधा टीस्पून आमचूर पाउडर का और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर का, 1/4 टीस्पून चाट मसाला और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें 1 टीस्पून देसी घी का डालेंगे। अब इसमें हम अपने ड्राई रोस्ट करे हुए थोड़े से मखाने डाल लेंगे। अब हम इसमें अपना हनी वाला पेस्ट डालेंगे और इसे मखानों में अच्छे से मिला लेंगे। हम फ्लेम ऑफ कर देंगे जब हम इसमें अपना हनी का पेस्ट डालेंगे। हमारा खट्टा मीठा मखाना भी देखिए तैयार हो गया। अब हम देखेंगे मैगी मसाला मखाने की रेसिपी। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे आधा टीस्पून देसी घी। अब इसमें हम डालेंगे 1 पैकेट मैगी मसाला। मैगी मसाला आपको अलग से किसी भी शॉप पे मिल सकता है या फिर आप मैगी का भी मैगी मसाला वाला पाउच निकाल के इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें अपने मखाने डाल लेंगे और मखाने को अच्छे से मिला लेंगे मैगी मसाला में। हमारा मैगी मसाला मखाना तैयार हो गया है और अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम देखेंगे पिज़्ज़ा फ्लेवर्ड मखाना कैसे बनाएं।
हम एक पैन लेंगे और इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून बटर। जब हमारा बटर मेल्ट हो जाए तो इसमें हम अपने बचे हुए मखाने डाल लेंगे। मखाने को हम बटर में अच्छे से कोट कर लेंगे ताकि हमारी सारी स्पाइसेस और हर्ब्स मखाने पे स्टिक हो जाए। इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून पिज़्ज़ा सीजनिंग का। पिज़्ज़ा सीजनिंग में ऑर्गेनो, बेसिल लीव्स और गार्लिक सॉल्ट हमने यूज़ किया है। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर का। वन फोर्थ टीस्पून सेंधा नमक, वन फोर्थ टीस्पून चिली फ्लेक्स का और हमारा पिज़्ज़ा फ्लेवर्ड मखाना भी अब तैयार है। इन्हें भी हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। हमारे सारे फ्लेवर्ड मखाने अब तैयार हो गए हैं। इन्हें बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत ही झटपट बन भी जाते हैं। ये हेल्दी भी हैं और चाय के साथ ये बहुत ही अच्छा स्नैक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।